वेलकम यू पीपल इन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स ENG 502 लेसन नंबर 24 रूल्स ऑफ सिंटैक्टिक डिस्क्रिप्शन। इस लेसन में मैं आपको डिफरेंट टॉपिक्स करवाऊंगी और मैं ट्राई करूंगी कि इन टॉपिक्स को इजी वे में आपको समझाऊं ताकि आप सारे टॉपिक्स को इजीली कवर कर सकें और अपने एग्जाम की अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। आप इस कैसे आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं तो उसके लिए मैं आपको एक आइडिया बताती हूँ। उसमें ये है कि पहले हम टॉपिक्स जितने भी हैं इस लेसन के अंदर उनकी एक आउटलाइन बनाएंगे और फिर उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग हम आगे काम करते जाएंगे। अब पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स आ रहे हैं और कहाँ तक ये टॉपिक्स आ रहे हैं। टॉपिक नंबर 134 से लेकर 139 तक टॉपिक्स आएंगे। अब हम इन टॉपिक्स के नेम को देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 134 फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स एंड टॉपिक नंबर 135 लेक्सिकल रूल्स, टॉपिक नंबर 136 बैक टू रिक्रूजन, टॉपिक नंबर 137 ट्रांसफॉर्मेशनल रूल, टॉपिक नंबर 138 पार्टिकल मूवमेंट, टॉपिक नंबर 139 इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट। अब हम देखेंगे कि इस आउटलाइन के बनाने का हमें क्या फायदा होगा, हम क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस आउटलाइन को बनाने के लिए। तो इस आउटलाइन का हमें ये फायदा होगा कि हमारा लॉन्ग क्वेश्चन जो वो प्रिपेयर हो जाएगा। दूसरा हमें क्या फायदा होगा कि जब हम लॉन्ग क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं तो उससे हमारे एमसीक्यूज भी सॉल्व हो जाते हैं इजीली और शॉर्ट क्वेश्चंस भी। जैसा कि आपको पता है वीयू वालों के पेपर पैटर्न में लॉन्ग क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड होते हैं शॉर्ट और एमसीक्यूज भी। तो अब मैं आपको सारे जो टॉपिक्स हैं उनको वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट हम देख लेते हैं टॉपिक नंबर 134 फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स। ये वो रूल्स होते हैं जिनकी मदद से हम मुख्तलिफ किस्म के फ्रेजेस बनाते हैं, नॉन फ्रेज वर्ब वगैरह। और ये भी है कि एक ट्री डायग्राम होती है उसके दो मुख्तलिफ वेज होती हैं। पहला ये कि स्टैटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, और ये ट्री डायग्राम की बॉटम पे होती है। और इसमें दूसरी तरफ जब हम देखते हैं तो डायनामिक फॉर्मेट आ जाता है। डायनामिक फॉर्मेट में क्या होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये होता है कि ये सिर्फ खास जो सेंटेंस है उसको नहीं क्रिएट कर रहा होता, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस जो होते हैं जो सिमिलर स्ट्रक्चर्स के होते हैं उनको जनरेट करने में हमारी हेल्प करता है। और जब ये इस तरह से हमारी हेल्प कर रहा होता है ज्यादा से ज्यादा करने में, तो इसमें क्या होगा कि ये बहुत अच्छी अप्रोच है और काबिल इस्तेमाल है। और इसमें हम ज्यादा से ज्यादा रूल्स को इस्तेमाल नहीं करते और ना ही हमें करने पड़ते हैं। इन रूल्स को फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स कहते हैं। और अब इन रूल्स को हम आगे पढ़ेंगे। ये रूल्स हमें बताते हैं कि फ्रेज स्ट्रक्चर में खास किस्म की एक या एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, और ये ट्री की बजाय एक खास लीनियर जो फॉर्मेट होता है उसमें भी आते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट अब हम देखेंगे टॉपिक नंबर 134। अब इस टॉपिक नंबर 134 का ही एक जो पार्ट है वो उसमें ये भी एक जो लीनियर मैंने फॉर्मेट की बात की तो उसमें ये देख लेते हैं कि जैसे सेंटेंस है तो इसमें नॉन फ्रेज है, वर्ब फ्रेज है, तो ये सारा एक प्रॉपर वे में जाएगा। और इसके ये जो शॉर्ट नेम्स हैं पीपी प्रपोजिशन नॉन फ्रेज और वीपी वर्ब नॉन फ्रेज, ये सारी चीजें, तो आपने इन सब चीजों को याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक जो 135 लेक्सिकल रूल्स। लेक्सिकल रूल्स जो होते हैं ये जब हम इनकी बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि ये जो फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स होते हैं ये वो फ्रेज जो स्ट्रक्चर रूल्स थे वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर को जनरेट कर रहे थे, लेकिन ये रूल्स जो होते हैं ये इंग्लिश में जितनी भी चीजें होती हैं उनको रिकॉग्नाइजेबल वे में बनाते हैं। और ये लेक्सिकल रूल्स जो होते हैं ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ये हमारी हेल्प करते हैं। किस तरह से हेल्प कर रहे होते हैं? जब लोग जो है कोई भी सेंटेंस या कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट को लिखना होता है तो ये रूल्स इस्तेमाल करते हैं। इन रूल्स का ये होता है कि ग्रामेटिकल सेंटेंस को ये जनरेट करते हैं, लेकिन दूसरी साइड पर देखा जाए तो अनग्रामेटिकल सेंटेंस में ये कम होते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं कि ये कौन से रूल्स हैं। जैसा कि आपको इस डायग्राम से पता चल रहा है एन पी एन है, मैरी जॉर्ज और एन है, तो नाउन की बात करें गर्ल डॉग बॉय, कोई भी लड़का हो सकता है कोई भी लड़की हो सकती है। आर्टिकल की बात करें आर एंड द, प्रोनाउन की बात करें वी जो है, वर्ब जो है हेल्प सा फॉलोड, तो ये सारी चीजें आ जाती। और ये ग्रामेटिकल जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी होते हैं, और नॉन ग्रामेटिकल जो होते हैं उनमें हमें इस चीज की सही खासी समझ नहीं आ रही होती। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे बैक टू रिक्रूजन 136 टॉपिक। अब ये जो 136 टॉपिक है इसमें ये है कि ये सादा फ्रेज को जब रिक्रूजनल बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ स्टैटिकल सेंटेंसेस को के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं और ये सिंगल सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमें इस चीज की ये भी कर सकते हैं कि हम एक या एक से ज्यादा सेंटेंसेज जो उनको भी एड ऑन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे ट्रेडिशनल ग्रामेटिकल सेंटेंस स्ट्रक्चर। इनको क्लॉजेस की सूरत में पढ़ते हैं और इनमें ये होता है कि इनको रिक्रूजल एलिमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत सारे जुमले बनाने में हमारी हेल्प करते हैं।
और ये जब बहुत सारे जुमले बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, तो इसमें एक जो वर्ड मेन जो वर्ड है जो यूज़ होता है वो है उसको ऐसे ही आप समझें, बहुत इजी है और हम अपनी डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं। तो ये वर्ड जो है कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है। कॉम्प्लीमेंट फ्रेज जो होता है ये क्या करता है कि ये जब भी हम कोई जुमला बनाते हैं तो इससे क्या होता है कि हमें उस जुमले की कॉम्प्लीमेंट फ्रेज जो हमें उस जुमले की समझ देता है। और कॉम्प्लीमेंट फ्रेज कौन सा होता है? दैट, टी एच ए टी दैट, ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट फ्रेज है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे 137 ट्रांसफॉर्मेशनल रूल। ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स होते हैं, टी रूल्स भी इनको कहते हैं। और ये जो होते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स होते हैं, ये हम डिफरेंट किस्म की जो इस तरह से कह लें कि ये स्पोकन फॉर्म जो सेंटेंस की होती है उसमें भी आ जाते हैं। सरफेस स्ट्रक्चर के साथ इनका और डीप स्ट्रक्चर के साथ इनका लिंक होता है। और इसमें ये है कि ये जो रूल्स हैं और इसमें मल्टीपल टाइप्स दी गई हैं ट्रांसफॉर्मेशनल रूल्स की, और ये सेट ऑफ सिनोनिम्स सेंटेंसेस होते हैं। और इसमें ये होता है कि जब हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं तो देख लेते हैं डिलीशन, कोई भी सेंटेंस जो है जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है मस्ट हैव द सेम मीनिंग, अगर उसके उसके अंदर जो सेम मीनिंग होगा तो उसको डिलीशन में ले आएंगे। इम्पेरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि इसमें चेंज मानी जो है बिल्कुल कभी भी चेंज नहीं होगा। यू कम होम, कम होम मतलब ये उसका मीनिंग जो सेम रहेगा। इंसर्शन ट्रांसफॉर्मेशन, ही नो शी वॉज हेयर, कि इसका मतलब ये है कि वो जानता है कि ये वो जो है यहाँ पे है। अब सब्स्टिट्यूशन जो है ट्रांसफॉर्मेशन उसको क्या कहेंगे, इसमें क्या होता है कि प्रोनाउन को सब्स्टिट्यूशन की जाती है। प्रोमिनलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम प्रोनाउन की सब्स्टिट्यूशन कहते हैं तो ये प्रोमिनलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस कहलाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक नंबर 138, पार्टिकल मूवमेंट्स। पार्टिकल मूवमेंट्स टेक प्लेस इन अ कंस्ट्रक्शन विच इज मेड अप ऑफ अ वर्ब एंड अ पार्टिकल। अच्छा, इसमें ये है कि पार्टिकल की मूवमेंट को इसमें हम इन लोगों ने ये देखना है कि वर्ब कब आएगा, ऑब्जेक्ट कब आएगा, और ये हम उस वक्त यूज कर रहे थे जब वर्ब और आर्टिकल जो है उनकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। किसी भी जुमले को ठीक करने के लिए क्या करते हैं, पार्टिकल मूवमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। सब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, वर्ब कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम देखेंगे कि और पार्टिकल मूवमेंट जो है ये हमेशा से उतना ही ये पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको करना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसका मैनर क्या हो सकता है, कहाँ से, जैसे मदर हैंग अप द क्लॉथ्स क्विकली, माँ ने जल्दी से कपड़े हैंग किए, मदर हैंग क्विकली अप द क्लॉथ्स, मतलब ये जो एक पार्टिकल्स क्या है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये पार्टिकल्स हैं। और जो है क्या हो रहे होते हैं पार्टिकल की मूवमेंट, इसके अंदर अकर हो रही होती है, वाक्य हो रही होती है। नाउ विल स्टडी लास्ट टॉपिक 139, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूंट्स एनालिसिस। इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस जो है इसमें ये होता है किसी भी जुमले को चेक करने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है उसको इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूंट एनालिसिस कहते हैं। और ये सबसे पहले लिनार्ड जो थे उन्होंने यूज़ किया, फिर फर्दर जो रोलन ने इसके ऊपर काम किया। और इसमें ये है कि एक चीज़ है उसके दो हिस्से बनाए जाएंगे, फिर आगे दो हिस्से बनाए जाएंगे, और उस वक्त तक उसके हिस्से बनाए जाते हैं जब तक उसका जो भी मानी है वो सही से उसकी समझ ना रहे। जैसे चिल्ड्रन, अमेरिकन चिल्ड्रन, थ्री चिल्ड्रन, इस तरह करके ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ तक हमारा जो लेसन नंबर 24 था वो कम्प्लीट हो